और चलिए रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। शिंदे गुट अगले हफ्ते सरकार बनाने की तैयारी में है। सरकार बनने के बाद में शिंदे गुट के नेता, मंत्री, विधायक और सांसद अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे। आपको बता दें, वही 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए दिए गए शिवसेना के नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट सोमवार को कोर्ट जाने की तैयारी कर चुका है। इन सबके बीच गुवाहाटी में रह रहे बागी शिवसेना विधायकों ने होटल रेडिसन ब्लू की बुकिंग अब 27 तारीख से बढ़ाकर 30 तक कर दी है। सोर्सेज के मुताबिक पहले 22 से 27 तक ये बुकिंग थी, लेकिन अब होटल की बुकिंग अगले 2 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। शनिवार देर शाम बुकिंग और 3 दिन के लिए बढ़ाई गई है। और इसी बीच आपको बता दें, आदित्य ठाकरे ने भी बागी विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आदित्य ने शिवसेना पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, पार्टी में जो गंदगी थी वो अब निकल गई है। जब 38 आजाद तो वक्त क्यों बर्बाद। कार्यकर्ता नहीं साथ, फिर क्यों कुर्सी की बात। जब छूट गई गाड़ी फिर कैसी महाअगाड़ी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या गिर जाएगी। शिवसेना के टुकड़े हो जाएंगे या ठाकरे परिवार के हाथों में ही रहेगी कमान। महाराष्ट्र में महासंकट का कब होगा अंत। ऐसे कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। दावे अपने अपने हैं, लेकिन सच का टेस्ट होना भी बाकी है। उद्धव के तेवर बदल चुके हैं और शिंदे से तकरार भी अब तेज हो गई है। वहीं बागी विधायकों के दम के साथ शिंदे बहुमत होने का दावा बार बार कर रहे हैं। शिंदे अब पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं को बगावत की वजह समझा रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि उनकी यह लड़ाई शिव सैनिकों के हितों के लिए है। उन्होंने ट्विटर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं से एक खास अपील की है। उन्होंने लिखा, प्रिय शिव सैनिकों, अच्छी तरह से समझे, MBA के खेल को पहचानूं। मैं शिवसेना और शिव सैनिकों को MBA के अजगर के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। ये लड़ाई आप शिव सैनिकों के हित के लिए है। आपका एकनाथ संभाजी शिंदे। वैसे सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक शिंदे अगले हफ्ते सरकार बनाने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, आगे का प्लान भी तैयार है। सरकार बनने के बाद शिंदे गुट के नेता, मंत्री, विधायक और सांसद अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे। हालांकि शिंदे के लिए बागी विधायकों के साथ मिलकर सरकार तक पहुंचने का सफर आसान नहीं है। इससे पहले 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए दिए गए शिवसेना के नोटिस का जवाब भी 27 जून तक देना है। इसके लिए सोमवार को कोर्ट जाने की तैयारी है। देखिए, हम लोग अभी भी शिवसेना में हैं। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैली जा रही है कि हम लोगों ने शिवसेना छोड़ी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम सिर्फ अपना गट अलग कर रहे हैं और हमारा जो कहना था हमने उनको बोल दिया है। उनको मान्य करना ये नम अमान्य करना ये उनका अधिकार है। पास जो बहुमत चाहिए वो बहुमत हमारे पास है, 2/3 बहुमत हमारे पास है। इस बीच उद्धव के बाद उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने भी बागी विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आदित्य ने शिवसेना पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, पार्टी में जो गंदगी थी वो निकल गई। बहरहाल इस राजनीतिक उठापटक और बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई में 10 जुलाई तक धारा 144 लगा दी गई है और छुट्टी पर गए पुलिस वालों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी मीडिया।